नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई दिन शनिवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार ऊर्जा मंत्री ने महागठबंधन की एकजुटता पर कही ये बात। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के लिए राजद विधायक के बड़बोले बोल। राजद का बीजेपी पर पोस्टर वॉर। सुशील मोदी ने इस मामले पर कहा, नरम पड़ गई नीतीश सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर बोला हमला। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बताया चौपट। बीते दिनों राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग में चल रहे विवादों को लेकर कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, भविष्य में व्यवस्था में सुधार होगी इसका कोई संकेत नहीं है। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का काम छोड़कर बाकी दुनिया का सारा काम कर रहे हैं। विभाग में मंत्री बनाम अधिकारी चल रहा है। एक तरह से सीएम शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को राम भरोसे छोड़ दिए हैं। आगे उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री को लेकर कहा कि एक ओर संघ की और दूसरी ओर महासंघ की शिक्षा मंत्री के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। बच्चों के भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के राजद विधायक के बड़बोले बोल। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि केके पाठक को कोई परफॉर्मेंस है? उनको जिन जिन कामों पे लगाया गया, कौन से काम को उन्होंने बढ़िया से किया है, इनका तो परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी है। इस तरह के निकम्मे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले केके पाठक शराब वाले विभाग में थे, उस दौरान भी बहुत सारे लोग जहरीले शराब के कारण बेमौत मारे गए। उसके पहले खनन विभाग में थे, वहाँ भी इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। अब शिक्षा विभाग आए हैं तो यहाँ भी ये सब चल रहा है। ऐसे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने इस वजह से कहा, इस मंसूबे में कामयाब नहीं होगा मीडिया। कई बार अपने बड़बोलेपन के लिए शिक्षा मंत्री सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री और उनके विभाग की चर्चा हर जगह देखने को मिल रही, जिसकी वजह से उनके विभाग के ऊपर मुख्य सचिव और उनके बीच चल रहे विवाद। अब इसी बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की मुलाकात हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति को लेकर राजद कार्यालय में बैठक हुई है, उसी चर्चा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शिक्षा नीति पर तमाम लोग अपनी राय दे रहे थे। वहीं केके पाठक से चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि मीडिया ने जो मंसूबा पाल रखा है, उस मंसूबे में मीडिया कभी भी कामयाब नहीं होगा। रत्नेश सदानी मांझी और उनके बेटे के खिलाफ उठाया यह बड़ा कदम। बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर महागठबंधन से भी जीता नाम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने अपनी सांठगांठ खत्म कर ली। संतोष सुमन की जगह नीतीश कैबिनेट में रत्नेश सदा को जगह मिली। अपने अपने पदभार को संभालने के बाद रत्नेश सदा ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने अपने सचिव को आदेश देते हुए कहा कि आप इस बात की जानकारी निकाल कर दें कि संतोष सुमन के कार्यकाल में इस विभाग में कितना काम हुआ है और कितना काम पेंडिंग रखा गया है। साथ ही रत्नेश सुधा द्वारा कहा गया कि पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और मंत्री रहे उनके बेटे संतोष कुमार सुमन के काम काज की जाँच होगी, क्योंकि दोनों पिता कुछ अर्से के मंत्री रहे हैं। जल्द ही इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। दोनों ने उस समाज के साथ धोखा किया है कि सब्जियों से भेजे में था। सुशील मोदी ने इस मामले पर कहा, नरम पड़ गए नीतीश सरकार। बिहार में शराबबंदी लागू है, इस नियम को लेकर लगातार बिहार में मौजूद पक्ष विपक्ष में बयानबाजी देखने को मिलती है। अब इसी बीच सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा वाले कठोर रुख से सीएम नरम पड़ गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि अब मुआवजा के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शर्त हटाई जाए। राज्य में जहरीली शराब पीने से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और सभी शवों के पोस्टमार्टम भी नहीं कराए गए हैं। आगे उन्होंने नीतीश कुमार से मांग करते हुए लिखा कि दलित पिछड़ों पर से 4 लाख मुकदमे सरकार वापस ले और शराब से जुड़े आरोपियों को आम माफी दी जाए। बीजेपी नेता ने कहा, नीतीश के लिए दरवाजे तो क्या खिड़की भी हो चुके हैं बंद। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ हाथ मिलाने का मन बना लिया है। हालांकि लालू यादव समेत कई लोगों ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक राजेश्वर राज के तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने उनके लिए दरवाजा तो क्या खिड़की भी बंद कर दिए हैं। वहीं गृह मंत्री का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी में अब शामिल नहीं हो सकते। बिहार ऊर्जा मंत्री ने महागठबंधन की एकजुटता पर कही ये बात। बिहार सरकार के कार्यनीति, आगामी चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने संवाददाताओं से बात
की है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, विपक्षी एकजुटता को लेकर 23 जून को पटना में हुई बैठक पूरी तरह से सफल रही, अब आगे की रणनीति को तय करने के लिए बैंगलोर में 18 से 19 जुलाई को विपक्षी एकजुटता की बैठक होगी। आगे उन्होंने बताया कि महागठबंधन की एकजुटता को लेकर कहीं जा रही भ्रामक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही शिक्षा विभाग में चल रही विवाद वाली बात को लेकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते विवाद नहीं हो सकता है, जो कंफ्यूजन था उसे दूर कर लिया गया है। भाजपा के लोग बिहार में दुखी आत्मा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनके पास कोई विषय नहीं है, इसलिए गैर जरूरी बातों को तुल देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। राजद का बीजेपी पर पोस्टर वॉर। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर का चलन काफी पुराना है। अब इसी कड़ी में राजद प्रदेश कार्यालय के गेट पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए पार्टी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। दरअसल पोस्टर में बीजेपी को लेकर लिखा गया है कि बीजेपी में आइए, सब दाग धुलाइए, मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाइए। बता दें कि इस पोस्टर में इन वाक्यों को लिखने के अलावा पोस्टर में ही नीचे की तरफ वॉशिंग पाउडर के पैकेट की तस्वीर दिखाई गई है, जहां वॉशिंग पाउडर का नाम मोदी वॉशिंग पाउडर बताया गया है और ठीक इसके बगल में वॉशिंग मशीन की तस्वीर भी है, जहां साथ ही लिखा गया है कि सब दाग चुटकियों में धुले और घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। इस पोस्टर में सबसे खास बात यह है कि यहां अजीत पवार की तस्वीर भी लगाई गई है, क्योंकि अभी हाल में ही महाराष्ट्र में एनसीपी का साथ छोड़ अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी के साथ जाते ही उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, बीजेपी में जाने के बाद आरसीपी सिंह का कद हो गया है छोटा। जदयू से बीजेपी में जा चुके आरसीपी सिंह ने अभी हाल में ही कहा था कि राजद का वोट जदयू को कभी नहीं मिलेगा। आरसीपी सिंह के इस बयान पर अब बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में चले गए तो तरह तरह का बयान देते हैं, जब बीजेपी में नहीं थे तो नीतीश कुमार का गुणगान करते थे, उनके अच्छे कामों की चर्चा, उनके समर्पण की चर्चा हमेशा करते रहते थे, लेकिन अब बीजेपी में चले गए हैं तब उनको लिख कर दिया जाता होगा कि यही बोलना है। आगे उन्होंने आरसीपी सिंह को याद दिलाते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब कहां वे गाँव में आकर जिला स्तर के प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आरसीपी सिंह को जो कद था वो अब बीजेपी वालों ने धीरे धीरे छोटा कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तानाशाही का लगाया आरोप। बीजेपी सरकार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है और तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। पत्रकारों और समाज सेवियों के साथ मारपीट और हत्या तक होने की घटनाएं हो रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बीजेपी की झूठी बयानबाजी की पोल खुलती जा रही है। केजरीवाल ने राहुल गांधी के समर्थन में कह दी ये बात। दिल्ली में मौजूद केजरीवाल सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का समर्थन अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बावजूद इसके राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार की निंदा की गई है। दरअसल पार्टी की तरफ से कहा गया कि पूरे देश में दिख रहा है कि जो लोग भी विपक्ष में हैं उन पर हर प्रकार के केस किए जा रहे हैं, उनके पीछे एजेंसियां लगाई जा रही और सदस्यता भंग करने की कोशिशें हो रही हैं। जो भी केंद्र सरकार के विरोध में है उन पर कोई न कोई कार्यवाही चल रही है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी न्यायालय है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट, संविधान को बचा कर रखना कोर्ट की ही जिम्मेदारी है। संविधान का सम्मान और सिद्धांत बरकरार रहे यह सबसे जरूरी है। वरुण गांधी की बीजेपी से बढ़ रही दूरियां। भाजपा में रहने के बावजूद भी वरुण गांधी विपक्षी दलों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दरअसल कई ऐसे मुद्दे सामने आए जहां वरुण गांधी ने केंद्र सरकार की मुखर होकर आलोचना की, साथ ही बीजेपी के कई कार्यक्रम में वे अनुपस्थित दिखे। वरुण गांधी के इस गतिविधि और तेवर से ऐसा प्रतीत हो रहा कि भाजपा अब इनसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही। हालांकि एक समय था जब वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी जब बीजेपी में शामिल थे तब उन्हें खास तवज्जो दी जा रही थी। अब मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक संगठन के सूत्रों के से यह खबर सामने आई है कि बीजेपी में अब उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी उनकी जगह नए नेता की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर बोला हमला। गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले को बरकरार रखा है। अब इस मामले में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार ने यह सारा षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचा है ताकि उनको साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दुष्चक्र की राजनीति का जनक कह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात से अच्छे से वाकिफ है और संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। मोदी उपनाम का जिक्र इतना बड़ा अपराध बन गया कि राहुल के खिलाफ आनंद फानन में कार्यवाही कर दी जाती है और सजा भी तय हो जाती है। अदालत द्वारा राहुल गांधी पर फैसले के खिलाफ मौन प्रदर्शन करेंगे
कांग्रेसी। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी के सजा को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सियासी बयानबाजी कर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अदालत द्वारा राहुल गांधी को लेकर दिए गए इस फैसले के खिलाफ मौन प्रदर्शन करने का अनुरोध कांग्रेस नेता ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से की है। बता दें कि अनुरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल द्वारा की गई है, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को गांधी प्रतिमाओं के सामने एक विशाल मौन सत्याग्रह आयोजित करे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केजरीवाल की पार्टी ने ईडी के दावे को बताया झूठ। ईडी की तरफ से बयान सामने आया है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब इस पर आम आदमी की प्रक्रिया सामने आई है, जहां पार्टी द्वारा ईडी के दावों को खारिज करते हुए बताया गया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री की केवल 16 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। दरअसल इस बात की जानकारी पार्टी द्वारा ट्विटर पर दी गई है, जहां यह लिखा गया कि मोदी के ईडी का एक और शर्मनाक झूठ। ईडी द्वारा आज कुर्क की गई कुल संपत्तियों में से केवल 11 लाख रुपए वाला एक बैंक खाता और सिसोदिया का 5 लाख का एक फ्लैट अटैच किया गया है। सिसोदिया की संपत्ति की कीमत कुल मिलाकर 16 लाख रुपए तक की है। आगे पार्टी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिसोदिया का फ्लैट 2005 में खरीदा गया था और इसकी कीमत 5.07 लाख रुपए है, जबकि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया का फ्लैट 65 लाख रुपए का है और इसे 2018 में खरीदा गया था। ये दोनों फ्लैट साल 2018 से पहले खरीदे गए थे, जबकि एक्साइज पॉलिसी का कहीं जिक्र तक नहीं था। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। मदरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है था। जिन्होंने मदरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, वैजनाथ सिंह, अनवर करीम खान, असरफी मंडल, मृत्युंजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, ब्रजेश तिवारी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है, क्या आप इस आरोप से सहमत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।